पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद की संयुक्त बैठक पीलीकोठी मिशन कंपाउंड में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने की और संचालन महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्थानीय निकाय चुनाव में भारत जोड़ो अभियान पर प्रकाश डालते हुए रणनीति बनाई। तो वहीं शाम के समय जिलाधिकारी मुरादाबाद को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि आजादी के बाद अमृत महोत्सव काल में देश महंगाई की मार से त्रस्त है, आम आदमी का जीवन यापन मुश्किल हो गया है, युवा वर्ग डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार के पास उपयुक्त नीति नहीं है कि रोजगार दिया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, सचिन चौधरी, शिवराज सिंह गुर्जर, अनुराग शर्मा, रिजवान कुरैशी, अनिल चौधरी, एडवोकेट अरशद परवेज, विजय मिश्रा, अनिल गुर्जर, अनमोल गुप्ता के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। देखिए साहब, अनस हो, ताहिर हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, राम मनोज प्रसाद हो, जो दोषी हैं हमेशा उनको बचाने के लिए छोटों को और कमज़ोर को नापा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें भी ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिकॉर्ड पूरा कर लेना भाई, पूरा उसको ए टू जेड रिकॉर्ड करो, मेरे पास रहना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, जो असली हैं दोषी हैं। क्योंकि मैंने एक पेपर में आज जो फ़ोटो देखी थी, तो गायों की हालत देख करके, मेरे पास पेपर है कहिए तो मैं मंगा लूँ, मेरे सूटकेस में रखा है अमरोहा से, जो मैंने देखी है उनकी हालत, गाय उठ नहीं पा रही, डीएम साहब खड़े हैं गाय को उठवा रहे हैं, क्यों उनकी हालत ऐसी हुई? इसका कौन जिम्मेदार है? ये चारा डालने वाला जिम्मेदार है कि चारा लाने वाला जिम्मेदार है? चारा डाला गया कि चारा खुद ही खा गए? कांग्रेस जो इस समय लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, टैक्स के नाम पर सारा कारोबार, सारा बिजनेस, और यहाँ तक कि उनके मुंह में 2 जून का निवाला नहीं जा रहा, वो भी छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।